दोस्तों, तो कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त हरविंदर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हरविंदर गेमिंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि वर्ल्ड क्रिकेट 2021 जो क्रिकेट गेम आने वाला वो कल कितने बजे लॉन्च होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो कंपनी ने खुद कन्फर्म कर दिया कि ये जो गेम आपको 6 मई को देखने को मिलने वाला है। लेकिन आपको ये सभी ये सोच रहे होंगे कि ये गेम किस टाइम पर हमको देखने को मिलने वाला। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा एग्जैक्ट जो है वो टाइम बताने वाला है कि ये जो गेम है कब तक देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो मन तक बने रहेगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो फाइनली कर लेते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं आपको एक बात कंफर्म करा दूं कि ये जो गेम आपको बीटा वर्जन में देखने को मिलने वाला है। अब बीटा वर्जन क्या होता है, जैसे WCC 3 लॉन्च हुआ था पहले उसके बीटा वर्जन आया था, फिर उसके बाद फुल वर्जन देखने को मिला था। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर वर्ल्ड क्रिकेट 2021 जो गेम आने वाला है ये भी आपको पहले बीटा वर्जन में देखने को मिलने वाला है, बाद में ये जो गेम आपको फिर फुल वर्जन में देखने को मिलने वाला है। बीटा वर्जन में अब क्या कुछ आने वाला है, सबसे पहले इसका सीजन 1 आने वाला है बीटा वर्जन में, जैसे WCC 3 में आया था सीजन 1। तो ऐसे कुछ यहाँ पर सीजन 1 इसमें बीटा वर्जन में देखने को मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा फीचर आपको सीजन 1 में ही देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सीजन 1 में कौन कौन से जो फीचर है वो आने वाले हैं। सीजन 1 में इन्होंने खुद कंफर्म अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजेस पर यानी कि फेसबुक पेज पर इन्होंने खुद कंफर्म कर दिया कि गुड न्यूज़, यहाँ पर इन्होंने पोस्ट किया तो उसमें इन्होंने लिखा गुड न्यूज़ फॉर ऑल क्रिकेट फैंस, वर्ल्ड क्रिकेट 20 विल बी ऑफिशियल रिलीज ऑन 6 मई 2021। इनके कहने का मतलब है कि एक गुड न्यूज़ है क्रिकेट फैंस के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट 21 का जो गेम आने वाला है उसका ऑफिशियल रिलीज डेट यानी कि कन्फर्म रिलीज डेट उन्होंने बता दी कि 6 मई को ये जो गेम है लॉन्च होने वाला है। आगे इन्होंने कहा डिटेल गेम विल बी रन ओनली 4GB एंड अबव डिवाइसेज। इनके कहने का मतलब है कि जो गेम है वो सिर्फ 4GB रैम में वर्क करने वाली या इससे ऊपर के डिवाइस में वर्क करने वाली है, जो 4GB से लो एंड डिवाइस है उसमें ये जो गेम है वो सपोर्ट नहीं करेगी। इन्होंने देखे नीचे क्या लिखा सीजन 1 फीचर, इन्होंने ये भी कहा कि एट दिस आवर फर्स्ट रिलीज वी आर कमिंग आउट विद वेरी मिनिमम कंटेंट, यानी कि इनके कहने का मतलब है कि ये हमारा पहला रिलीज है, हम आने वाले टाइम में इसको मिनिमम और भी ज़्यादा कंटेंट जो है इसमें ऐड करने वाला है। सबसे पहले इन्होंने कहा गेम मोड एग्जीबिशन, इनके कहने का मतलब है कि गेम मोड यानी कि जो क्विक प्ले मैचेज होता है उसको बोलते हैं गेम मोड या फिर एग्जीबिशन मैच, यानी कि जैसे कि आपको हर एक गेम के अंदर देखने को मिलता है क्विक प्ले मैचेस, तो इसी गेम के अंदर आपको उस सीजन 1 के अंदर क्विक प्ले मैच देखने को मिलने वाला है। अब दूसरा जो फीचर है वो है यहाँ पर ग्राउंड कस्टमाइजेशन, यानी कि जो स्टेडियम कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलने वाला है इस गेम के अंदर वो भी आपको सीजन 1 में देखने को मिलने वाला है। टर्न्स यहाँ पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा टर्न्स अभी आप ट्रेलर के ऊपर स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे होंगे, टर्न्स वगैरह जो है वो चल पा रहे हैं। चीयर लीडर, अंपायर एंड प्लेयर कस्टमाइजेशन, ये भी बहुत बड़ा फीचर है। चीयर लीडर को कस्टमाइज कर पाएंगे, अंपायर को भी अपने तरीके से बना पाएंगे, अपने तरीके से उसको कपड़े वगैरह पहना के उसके हेयर स्टाइल वगैरह बना पाएंगे अपने आप से। एंड प्लेयर कस्टमाइजेशन का आपको पता होगा कि WCC 2 और 3 के अंदर जैसे प्लेयर कस्टमाइज करते हैं तो ऐसी कुछ यहाँ पर इसमें देखने को मिलने वाला है। मैनुअल फ्री कैम, यानी कि अपने हाथ से यहाँ पर कैमरे को यहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे, कहाँ कहाँ पर कैमरा एंगल आपको बनाना है तो सारा यहाँ पर मैनुअल फ्री कैम का मतलब यही है। तो नीचे मैनुअल फील्डिंग, यहाँ पर अपने आप खुद से कैच पकड़ पाएंगे, खुद से कैच ड्रॉप कर पाएंगे। अगला फीचर अदर जनरल लाइक DRS वैगनोविल, यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर DRS भी यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। वैगनोविल जो कि आपने कितने रन किस साइड में बनाए हैं, कितने किस साइड में बताए हैं, तो ये जो फीचर है आपको सीजन 1 में देखने को मिलने वाला है। अब मैं बताऊँ कि ये जो गेम है कब देखने को मिलने वाला आपको प्ले स्टोर ऊपर, तो कंपनी ने ये तो बता दिया कि ये जो गेम है 6 मई को लॉन्च होने वाला है। लेकिन अब आप ये सोच में पड़ रहे होंगे कि ये जो गेम है 6 मई को तो लॉन्च होने वाला है लेकिन किस टाइम पर लॉन्च होने वाला है ये किसी को नहीं पता है। क्योंकि 2021 आपको जो गेम देखने को मिलने वाला है वो अगर मॉर्निंग के टाइम पर आया तो 9 बजे से पहले पहले आपको देखने को मिल जाएगा, अगर मॉर्निंग के टाइम पर नहीं आया तो ये जो गेम है दोपहर के 3 बजे के बाद यानी कि आफ्टरनून के यहाँ पर 3 बजे के बाद आपको वर्ल्ड क्रिकेट 2021 देखने को मिल जाएगा। यानी कि 2 टाइम इन्होंने फिक्स यहाँ पर इनके जितने भी ट्रेलर आए हैं या तो उनके नाइट में आए हैं या फिर आए हैं सुबह मॉर्निंग में, यानी कि आफ्टरनून में इनके कम ही ट्रेलर वगैरह देखने को मिले हैं, नाइट में ज़्यादा ट्रेलर जो है वो देखने को मिले हैं। 1-2 यहाँ पर जो ट्रेलर है वो दिन में देखने को मिले हैं लेकिन ज़्यादा ट्रेलर जो आए हैं वो सिर्फ यहाँ पर नाइट में देखने को मिले हैं। तो ये जो गेम है मैं आपको बता दूँ कि ये जो गेम आपको नाइट को ही देखने को मिलने वाला है, दिन में ये जो गेम है मुझे नहीं लगता कि ये जो गेम है दिन में देखने को मिलने वाला है। ये नाइट में यहाँ पर 5 बजे के बाद आपको यानी कि शाम 5 बजे के बाद आपको यहाँ पर वर्ल्ड क्रिकेट 2021 गेम प्ले स्टोर के ऊपर लॉन्च हो जाएगा और उसके बाद आप इसको खेल पाएंगे अपने डिवाइसेस में, यानी कि 4GB रैम की जो ऊपर के डिवाइस उसमें आप खेल पाएंगे। तो आपको मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा जैसे ही ये गेम लॉन्च होगा और आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना एंड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगे डिसलाइक मार देना। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।